नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई पानी का रेगुलेशन लागू कर दिया गया है। हालांकि तय शेयर के अनुसार अभी राजस्थान सीमा में पूरा पानी नहीं पहुंचा है। इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि हरी के बैराज से पूरा पानी चल रहा है। राजस्थान सीमा पर पानी की आवक लगातार बढ़ रही है, जल्द तय शेयर के अनुसार पानी पहुंचने के आसार हैं। इस बीच रेगुलेशन को लागू कर दिया गया है, इससे किसानों ने राहत की सांस ली है। सरकारी आदेशों के बाद भी शिक्षा विभाग की ओर से रोस्टर रजिस्टर संधारित नहीं करने के विरोध में राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर ने शिक्षा निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी है। विजय सिंह ने बताया कि शिक्षा निदेशक और मुख्य सचिव के आदेश देने के एक वर्ष बाद भी रोस्टर रजिस्टर का संधारण नहीं हुआ है, जिससे विभागीय पदोन्नति एवं नियुक्ति के समय पदों की सही गणना नहीं होने से आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों को वंचित रहना पड़ रहा है। आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जो रोस्टर रजिस्टर है उसकी पालना होनी चाहिए, वो रोस्टर रजिस्टर बनना चाहिए। उसके लिए ही हम कल से धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अगर वो रोस्टर रजिस्टर लागू हो जाता है तो ही हम धरने से उठेंगे, वरना अनिश्चितकालीन ये धरना प्रदर्शन हमारा चलता रहेगा। उससे फायदा होगा हमारे जो SC ST वर्ग के विशेषकर जो अध्यापक हैं वो पदोन्नति में पिछड़ रहे हैं, और बैकलॉग ना होने के कारण जो हमारे नए भर्ती होने वाले जो युवा साथी हैं वो भी उससे वंचित हो रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में चंबल पेयजल योजना लागू हो चुकी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण लोगों को पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हुरडा पंचायत समिति की कानिया ग्राम पंचायत में पानी की समस्या इतनी ज्यादा है कि वहां पीने का पानी भरने के लिए महिलाओं को रोज अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। सफाई को लेकर चल रही तमाम कोशिशों में जनता भी सहयोग कर रही है, लेकिन सरकारी विभाग व कर्मचारी खुद कितने सजग हैं इसकी तस्वीर क्षेत्र के कोटड़ी स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में नजर आई। अस्पताल में आने वाले मरीजों का कहना है कि अस्पताल में गंदगी का अंबार है। यहां महिला शौचालय का दरवाजा टूटा है तो वहीं शौचालय में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था भी नहीं है और गंदगी का अंबार भी देखने को मिला है। गुड़ला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ भीलवाड़ा के तत्वाधान में पर्यावरण संरक्षण जन चेतना रैली निकालकर जन सामान्य को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। रैली को सिविल लाइन से मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी ओम प्रभा और प्रधानाचार्य उर्मिला जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टोंक के बरौनी थाना क्षेत्र के जंगल में एक युवक का शव कुएं में तैरता दिखाई देने पर आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल ककराज कला निवासी कजोड़ गुर्जर रोजाना की तरह बकरियां चराने जंगल में गया था। वहीं दूसरे चरवाहों ने कजोड़ का शव कुएं में तैरता हुआ देखा, उसके बाद परिजनों को इसकी सूचना दी। वहीं घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंपा। क्या हुआ था मतलब क्या? वो बकरियां चरा गई सुबह, चपला खोली ला दी मन गुआल गया, चपला खोली ला दी उनका आधार से मुंडो झाड़ देख लिया, मुंडो देख मुंडो मिली जो वाम ला दे। पुलिस ने बुलाया ना, फिर कब निकाला? घंटा डेढ़ घंटा बाद निकाल कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में सीवरेज पाइपलाइन डालने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान मिट्टी ढहने से दो मजदूर दब गए, मौके पर अफरा तफरी मच गई। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बड़ी JCB मंगवाई गई। आधे घंटे में दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला गया, जिसमें झाबुआ निवासी 35 वर्षीय तौलिया की मौत हो गई। वहीं राकेश को जिंदा बाहर निकाला गया, जिसका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। पाइप में से मिट्टी निकालते समय बगल साइड में जो मिट्टी एकत्रित हो रही थी वो ढह गई, जिसके कारण दो मजदूर दब गए। मजदूरों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, उनमें से एक की डेथ हो गई और एक अभी इलाजरत है। सर कितने लोग काम कर रहे थे साइट पर? 10-15 लोग काम कर रहे थे। बीकानेर में आम आदमी पार्टी नेता ख्याली सहारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजस्थान की गहलोत सरकार और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष बाड़ेबंदी में है, ऐसे में आम आदमी के कामकाज बिल्कुल ठप हो गए हैं। वहीं राजस्थान में 2023 में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब में जीत चुके आप, राजस्थान की 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में 92 जीते, यहाँ 192 जीतेंगे। पर आपने खुद ने तो मना कर दिया चुनाव लड़ना। राजनीति में कोई जरूरी नहीं होता कि चुनाव लड़ने के लिए आता हूँ। मैंने ये भी तो बोला था कि मैं राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आया हूँ।
मैं लोगों को ये बताने आया हूँ कि राजनीति चुनाव के लिए नहीं होती, राजनीति एक अलग सब्जेक्ट है, चुनाव एक अलग सब्जेक्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज।